जैसा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस टाइम पर आपके स्कूल की समर वेकेशन चल रही है और आप अपनी समर वेकेशन का इस्तेमाल जो अपने नाना चाचा के यहाँ जाने में कर रहे हो, आप जो क्रिकेट खेलने में, पबजी खेलने में, फ्री फायर करने में अपनी समर वेकेशन का जो समय इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना अपने समर वेकेशन का थोड़ा सा समय जो है अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पैसा मनी उसको जानने में, उसको समझने में जो है थोड़ा सा समय जो है समर वेकेशन का इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं जो है आपको तीन ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जिन्हें आपको जो है समर वेकेशन में पढ़ना है, जिससे कि आप जो है अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पैसे के बारे में अच्छी तरह से जान पाओगे, समझ पाओगे। सबसे पहली किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड। इस बुक के अंदर मुख्य रूप से 17 डिफरेंस यानी कि 17 अंतर बताए गए हैं एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के बीच में, जिन्हें पढ़ने पर आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि क्यों एक गरीब इंसान गरीब रह जाता है और एक अमीर इंसान अमीर और अमीर बनता जाता है। दूसरी किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस किताब के अंदर आपको एक अरकद नाम के व्यक्ति की लाइफ स्टोरी बताई गई है जो कि एक नॉर्मल इंसान से कैसे बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब ये आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा किताब के अंदर, तो आप किताब को जरूर पढ़िए और ये किताब आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगी क्योंकि ये जो किताब है एक स्टोरी की तरह है और स्टोरियाँ सुनना और पढ़ना ये तो हमें बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुचिकर और पसंद है। तीसरी किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब की मुझे सबसे मुख्य बात और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस किताब के अंदर आपको एक ही काम के प्रति दो नजरिए दिखाए गए हैं कि एक ही काम के प्रति एक गरीब इंसान किस तरह से सोचता है और एक अमीर इंसान किस तरह से सोचता है, कैसे एक गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है और कैसे एक अमीर इंसान पैसे से काम कराता है। सो दोस्तों, यही वो तीन किताबें हैं जिन्हें पढ़ करके आप जो है पैसे के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हो, समझ सकते हो। ये तीनों किताबें ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होने के साथ साथ और भी कई सारी स्टेट लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब यदि आप बुक ना पढ़ने का बहाने बनाने का सोच रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बुक खरीद करके इनको पढ़ सकूं, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं। आपको अपने फ़ोन में ही इन बुक की जो है PDF डाउनलोड कर लेना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आपको जो भी बुक डाउनलोड करना है उसका आपको नाम जो है गूगल की जो सर्च इंजन है उसमें डाल देना है और लास्ट पे आपको लिखना है इन हिंदी या इन इंग्लिश बुक PDF डाउनलोड। आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए आप लैंग्वेज का नाम लिख दीजिए। आप जैसे ही सर्च करोगे आपको पहली, दूसरी या तीसरी वेबसाइट के अंदर ही आपको बुक का PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको इजीली अपनी बुक जो है मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपकी दूसरी समस्या के बारे में, आपके दूसरे बहाने के बारे में कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किताबें पढ़ सकें। तो आखिरकार हम किताबें पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें, तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। आपको जो किताबें हैं हर दिन रात को सोने से पहले पढ़ना है और कितने पेज पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको हर दिन रात में सोने से पहले कम से कम 3 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज रीड हर दिन करना है। आपको इस रूटीन को हर दिन फॉलो करना है। अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके सोने का समय हो जाता है और आपके लिए 3 पेज 5 पेज पढ़ना मुश्किल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग 1 पेज या 2 पेज पढ़ करके ज़रूर सोएं। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आपकी दो सबसे बड़ी समस्याओं का सोल्यूशन भी बता दिया है कि आपको बुक कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपको पढ़ने के लिए समय निकालना है, ताकि आप जो है इन इंपॉर्टेंट बुक को पढ़ करके पैसे के बारे में अच्छी तरह से जान सको, समझ सको। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।